हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बस ये मॉर्निंग की क्लिप है। तो आज मैं बनाने जा रही थी भिंडी। तो बस यहाँ पे मेरा दाल दलिया और जो है और मैंने राइस भी एक तरफ करा दिया था। और यहाँ पे मैंने जमने के लिए रख दिया है दही, क्योंकि दूध बच गया था तो मैंने कहा चलो दही जमने के लिए रख देते हैं। तो बस आज मैं भिंडी बना रही थी। सिंपल ही खाना जो है, जैसा कि आप लोग देखते हैं मेरे यहाँ ज़्यादातर सिंपल खाना ही पसंद करते हैं। कभी कभी बन जाती है पनीर वगैरह तो बात अलग है। तो बस यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है कढ़ैया। कढ़ैया में डाल रही हूँ अब मैं तेल, सरसों का तेल है ये। तो बस भिंडी हम सिंपल तरीके से ही छौंकते हैं, और कभी कभी जब कलौंजी बनाते हैं तभी मसाला वगैरह सब तैयार करके भर के बनाते हैं, और भिंडी की कलौंजी भी बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे मैं सूखी वाली भुंजिया टाइप की भिंडी बना रही थी। तो फिर मैंने डाल दिया है तेल, तेल में डाल दिया है मेथी, क्योंकि हमारे यहाँ भिंडी जो है मेथी से ही छौंकते हैं, क्योंकि बादीपन जो होता है ना ख़त्म हो जाता है। फिर मैंने डाल दिया है लहसुन, क्योंकि मेरा मेथी हो गया था। तो बस और उसके बाद जब लहसुन हो जाएगा तभी मैं डाल दूँगी जो है भिंडी। तो बस यहाँ पर मेरा लहसुन हो गया था और मैंने डाल दिया है भिंडी। तो भिंडी को मैंने बहुत छोटे छोटे कट करके रखे हैं, और वैसे भी भिंडी में फाइबर बहुत होता है तो भिंडी की सब्ज़ी खानी ही चाहिए। और दाल चावल भिंडी की सब्ज़ी तो बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर मैं डाल रही हूँ सूखा मिर्चा, और आज हमारे यहाँ हरा वाला मिर्चा ख़त्म हो गया है, नहीं तो मैं हरा मिर्चा ही डालती हूँ। और इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा धनिया पाउडर। तो बस इसके अलावा मैं और कुछ नहीं डालूँगी, बस थोड़ा सा नमक इसमें ऐड करूँगी ताकि ये अच्छे से, नमक डालने से क्या होता है ना इसका जो पानी होता है अच्छे से निकल जाता है, और फिर थोड़ी देर के लिए ढाँक के पका देते हैं, फिर हम खुला करके पकाते हैं तो बहुत अच्छे से पक जाती। तो यहाँ पे मैं चना पर को कर रही हूँ रोस्ट, क्योंकि एक दिन पहले भुना रखा, सॉरी फुलाया रखा था, तो मैंने कहा चलो मैं इसको खा लेती हूँ। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैं चना को जो है भून ली थी, रोस्ट कर ली थी, इसमें तेल वगैरह नहीं डाली थी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चावल, तो चावल को मैं भून रही हूँ। मैंने कहा चलो साथ ही साथ नाश्ता भी करूँगी। तो यहाँ मेरी भिंडी की सब्ज़ी बन के तैयार है, और सच में ना बहुत अच्छी बनती है भिंडी की सब्ज़ी, आप लोग भी बनाइएगा जो है। तो यहाँ पर बस मैं बना रही हूँ रोटी, क्योंकि मेरा सारा खाना बन के जो है रेडी हो गया है। चावल भी बन गया है, मैंने चावल भी डाल दिया। तो बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोटी। तो मेरे सास ससुर बैठ गए हैं खाना खाने के लिए, मैंने कहा चलो उन्हें गरम गरम बना करके देते हैं। और ये चना बिर्रा गेहूँ की रोटी है ना, तो बस मैं जब सारे खाने बन जाते हैं तो मैं बस गरम गरम रोटी बनाते जाती हूँ और सास ससुर को भी देते जाती हूँ, फिर हम लोग भी लास्ट में फिर खाते जाते हैं। तो बस ये देखिए हमारी रोटी यहाँ पर बन के तैयार। गुड आफ्टरनून, कैसे आप सब लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बस अभी मैं सारे काम करके फुर्सत हो गई हूँ, और जस्ट अभी मैंने नहाया है। सुबह मैं कपड़े चेंज करके खाना बना दी थी, क्योंकि बहुत आज जल्दी थी, इसलिए जल्दी थी क्योंकि मेरे ससुर जी को जाना था कलेक्टर ऑफिस, उनका कुछ काम था, इसलिए मैंने कहा चलो पहले मैं कपड़े चेंज करके खाना बना देती हूँ। और हम लोगों के यहाँ रात में इतनी बारिश हुई, आप लोगों से मैं बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा बारिश हुई जम के, और मौसम बिल्कुल कूल हो चुका है, ठंडा हो गया है। तो बस अभी हमारे घर में सब कोई खाना खा चुका, मैं नहीं खाई हूँ क्योंकि आज से मेरा कुछ नया लाइफ शुरू हुआ है जिसको कहते हैं। तो मैंने अभी क्या किया है, सवेरे मैंने पिया है एक गिलास गर्म पानी, और फिर उसके बाद मैं आधे घंटे बाद पी हूँ चाय बगैर चीनी के, और उसमें डाला है मैंने शुगर फ्री एक सिर्फ, और खाया है उसके साथ दो ठो शुगर फ्री बिस्किट। और फिर वह खाया मैंने चना मेरा फूला रखा था, मैंने उसको तावा में थोड़ा सा कलार लिया, थोड़ा सा नमक डाल लिया, उसको एक कटोरी खाया,
बस अभी खाना नहीं खाया, अभी झाड़ू पोछा सब मेरा सुबह ही हो गया, कपड़े पड़े थे बच्चों के वो सब धो करके अभी मैं बाहर डाल करके आई हूँ, और अभी जस्ट मैं फुर्सत हुई हूँ तो मैंने कहा चलिए आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सुबह से टाइम नहीं मिला क्योंकि खाने में झूठी थी और कुछ चीज़ ज़्यादा मैंने शेयर नहीं किया, थोड़ा थोड़ा आपको दिखा दिया था। और आज मैं बनाई थी दाल दलिया, दलिया का नाम लूँ कि ना लूँ, क्योंकि मेरे यहाँ रोज़ ही बनता है और आप लोग समझ गए होंगे कि ये इनके यहाँ दलिया रोज़ बनती है। जी हाँ, दलिया बहुत ही पौष्टिक होती है और खाना भी चाहिए, तो मेरे घर में हमारे ससुर हमारे हस्बैंड सब लोग दलिया खाते हैं और हम ही चावल खाते थे, लेकिन आज से नहीं खाना, एक रोटी खाना, दाल खाना और सब्जी खाना। तो आज से मैंने अपनी लाइफ कुछ एक महीना के लिए चेंज की है, क्योंकि मेरा इधर मुझे बहुत डर लग रहा था, मेरे हस्बैंड चिढ़ा रहे थे क्या सोती रहो कुछ करो अब अपने लिए। हमने कहा नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हो, करना ज़रूरी है। तो बस आज से मैंने कहा चलो भैया थोड़ा सा डाइटिंग शुरू करते हैं एक महीना के लिए, तो बस अभी खाना नहीं खाएंगे, खाना खाएंगे अभी कितने बज गए हैं, हाँ एक बजने वाले हैं। तो बस अभी छोटा वाला बेटा नहीं खाना खाया है क्योंकि मैंने कल पालक पनीर बनाई थी तो वो रखा था, तो बड़ा वाला बेटा खा लिया है। और अभी दो तीन दिन में हमारे दोनों बच्चों की तैयारी बाहर पढ़ने के लिए होने वाली है, तो थोड़ा मैं उसमें अभी व्यस्त रहूँगी। देखिए अभी आपके पास वीडियो डाल पाऊँगी कि नहीं, अभी अभी मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, टाइम मिलेगा तो डाल भी दूँगी और नहीं तो फिर देखते हैं, क्योंकि भाई बच्चों को बाहर जाना है, उनकी सारी मुझे तैयारी करनी है। आप लोग देख रहे होंगे ये मैंने सारे बच्चों के कपड़े इधर इधर ये सारे धो करके रख दिए हैं, सब फोल्ड करके, और इसको मैंने चद्दर से ढाक करके रखा है, मैंने कहा कहीं गंदे ना हो जाए धो के रखा है, क्योंकि मौसम इधर गड़बड़ा है ना, तो फिर कपड़े धोऊंगी तो सूखेगा नहीं, इसलिए मैं पहले से ही सारा कपड़े वगैरह सब धो धा के सब रख दी हूँ। तो बस अभी मैं थोड़ी देर लेटूंगी और मैंने वीडियो सुबह अभी सुबह एडिट कर दिया क्योंकि हमारे मोबाइल में रिचार्ज ख़त्म हो गया था, तो अभी बड़ा वाला बेटा कर दिया है तो आ गया है, मैंने कहा बेटा कर दे बहुत ज़रूरी है, कहे हाँ मम्मी अब तो करना ही पड़ेगा आपका तो अब यूट्यूब चैनल है तो डालना तो पड़ेगा ही, मैंने कहा नहीं बेटा डाल दे। तो बस जस्ट मैं अभी फुर्सत हुई हूँ और मैंने कहा चलो भैया मेरे यहाँ पेपर आता है तो मैं रूपायण पढ़ने की बहुत शौकीन हूँ, आपको लोग उल्टा दिख रहा है, इसको मैं ज़रूर पढ़ती हूँ, हमारे यहाँ फ्राइडे को ये निकलता है पेपर में तो मैं ज़रूर पढ़ती हूँ, इसमें बहुत अच्छी चीज़ें कभी कभी मिल जाया करती हैं। तो बस वही लेकर के बैठ गई हूँ और ले लिया है मैंने पानी, तो पानी पीऊँगी अभी, पेट भर पानी पीऊँगी कि पेट भर जाए जो है। तो चलिए ठीक है, आप लोगों से इवनिंग में मिलती हूँ, थोड़ा सा मैं लेट लेती हूँ और छोटा वाला बेटा थोड़ा सा अभी बाहर गया, आ जाए उसको भी खाना निकाल दूँ और जो है फिर देखते हैं, एक रोटी खाएंगे, एक बजे खाएंगे, अभी नहीं खाएंगे, ठीक है चलिए ठीक है रखते हैं। और मैं इधर चला 4-5 दिन से थोड़ी बहुत बड़ी बिंदी लगाने लगी हूँ, देखिए किसी ने कहा लगाइए अच्छी लगती है, हमने कहा चल भैया लगाते हैं, कहना मान लेते हैं, चलिए ठीक है फिर इवनिंग में मिलते हैं आपसे, लिए तब तक के लिए बाय बाय। तो बस ये हो गया है शाम का टाइम जो है, तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ तरोई, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है देसी घी, तो बस मेरे हस्बैंड तरोई लाए थे तो उन्होंने कहा इसी को बना दो, मैंने कहा चलो ठीक है बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैंने जो है तरोई काट लिया है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया कढ़ैया में देसी घी, उसमें डाल दिया है लहसुन और उसके बाद जो है ये डालूँगी तरोई। तो आज मैं यही तरोई की सब्ज़ी ही बना रही थी और तरोई की सब्ज़ी ना सच में बहुत अच्छी भी लगती है, जो है पूरी परेठा से रोटी से बहुत अच्छी लगा करती है, तो मैं हमेशा तरोई की सब्ज़ी देसी घी से ही छौंकती हूँ, आप भी देसी घी से छौंकिएगा देखिएगा बहुत ही टेस्टी लगती है, तेल से तो छौंकते ही हैं आप, तेल से भी छौंक सकते हैं पर देसी घी से ना तरोई की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर मैंने तरोई डाल दिया, उसके बाद मैं डालूँगी थोड़ा सा लाल मिर्चा जो है, ज़्यादा तीखा नहीं करूँगी, थोड़ा सा ही डालूँगी ताकि थोड़ा सा तीखा कम रहे, और फिर इसमें मैं डालूँगी हल्दी और नमक। तो चलिए ठीक है मेरी तरोई की सब्ज़ी छौंक गई है, तो आप भी देखिए, तो आज हमारा यही है डिनर, तरोई की सब्ज़ी और रोटी। तो बस यहाँ पे मैंने डाल दिया है नमक, और नमक मेरे यहाँ बहुत कम ही लोग खाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ बीपी के पेशेंट हैं दो लोग, तो इस वजह से हम नमक हमेशा कम ही डालते हैं। और एक तरफ हमारा पक रहा है साइड में दूध, आप लोग देख रहे होंगे थोड़ा सा दिख रहा होगा, और यहाँ पे मैं डाल दूँगी थोड़ी सी हल्दी, ज़्यादा हल्दी नहीं डालूँगी, थोड़ी सी डालूँगी कि इसमें थोड़ा सा हल्का सा मतलब कलर पीलापन आ जाए और अच्छा लगा करता है जो है देखने में भी, और हल्दी वैसे भी फ़ायदेमंद होती है, एंटीबायोटिक होती है,
तो बस चलिए हमारी करेले की सब्ज़ी अब मिक्स हो गई है, इसको मैं ढाँक देती हूँ ताकि अच्छे से ये पक जाए। और क्योंकि इसको पकने में टाइम लगता है, पानी छोड़ता है, तो बस यहाँ पर ये देखिए मेरी तरोई की सब्ज़ी बन के तैयार है, सच में ना बहुत टेस्टी। तो ठीक है, रखते हैं, और रोटी भी बन गई है, तो गुड नाइट।